इज आई एम रचना योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एंड परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है उसका डिटर्मिनेशन सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर और सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के बारे में। यदि आप लोगों को याद है तो जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का क्या बताता है हमें, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो ये हमें देता है सिंपलेस्ट रेशियो किसी कंपाउंड का, कौन, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड में एटम्स की एक्चुअल नंबर बताता है। क्या डिनोट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कौन रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आया, जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये चीज बोली थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, जो एक्चुअल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता चल गया क्या होता है। जिस तरीके से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्या किया था, डिटरमाइन किया था स्टेप बाय स्टेप, उसके क्वेश्चंस भी किए थे यदि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है तो आज हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस करने हैं और उनको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटरमाइन करना सीखना है, ओके। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, कुछ एग्जांपल्स ले लें हम इसकी, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। यदि मैं इस फॉर्मूले को सिंपलेस्ट रेशियो में बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सिंपल रेशियो क्या हो सकता है, CH2, ये इसका सिंपल रेशियो है। इससे सिंपल बन सकता है, नहीं बनेगा, क्योंकि इससे सिंपल कोई रेशियो हो ही नहीं सकता है इसका। तो इस फॉर्मूले का ये कौन से रेशियो में आया, 1:2:1। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये क्या कर रहा है, एटम्स की एक्चुअल नंबर बता रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, कि कार्बन का 6 एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं, ये चीज़ बता रहा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसी तरीके से यदि बेंजीन की बात करो तो बेंजीन होता है C6H6, ये बेंजीन का होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है, इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में बना के इस तरीके से लिख सकते हैं CH, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या क्लियर हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डिनोट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, दिस फॉर्मूला इंडिकेट 6 एटम ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन आर इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब डिटर्मिनेशन करना सीखना है हमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हम डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना सीखना है। देखो क्या क्या स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कैलकुलेट द एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दे दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया, फिर आपसे वो निकलवा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो हमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, यदि आपको क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है तो आप पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या निकालोगे, उसका मास कैलकुलेट करोगे, उसका वेट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेट हुआ, सेकेंड स्टेप क्या है आपकी, डिवाइड्स इट्स मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट विच गिव्स द नंबर एन। देखो एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इससे हमें एन मिलेगा। ये एन होता है, उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इंटीजर होता है। ये एन क्या हेल्प करता है, हमें क्यों ज़रूरत है इस एन की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या होती है, इस एन की ज़रूरत होती है। देखो कैसे हमने एन कैसे निकालोगे, आप मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कर दो,
फिर क्या करोगे, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए है, तो क्या करोगे, एन को मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, ठीक है। इस तरीके से आपको एन मिल जाएगा और फिर आपको जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उस पूरे फॉर्मूले को आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर आएगा, तो आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पहले अपन स्टेप बाय स्टेप इसका देख लेते हैं क्या लिखे हुआ है, ठीक है। देखो, मल्टीप्लाई द एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय दिस नंबर टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके, वेयर एन इज एन इंटीजर हैविंग वैल्यू 1, 2, 3, 4 etc. द वैल्यू ऑफ एन इज फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड इज गिवन बाय, ठीक है। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब ये करेंगे कैसे, कैसे डिटरमाइन होगी, क्वेश्चन से ही समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C8H6O4 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इज 83, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला करना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है कितना, C8H6O4, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास भी हमें पता है, वो है 83। अब आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, हमें दो रिलेशन पता है, एक रिलेशन है एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एक रिलेशन हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, मतलब हम एन की वैल्यू निकाल ले तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और हमें क्वेश्चन के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट भी गिवन है, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास हम इससे निकाल ही लेंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो हमारे पास में एन की वैल्यू आएगी। जैसे ही एन की वैल्यू आएगी हमें इसमें पुट करनी है, हमारे को क्या मिल जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। करते हैं देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालो। कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, इधर निकालती हूँ मैं, कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसका होता है कार्बन का एक एलिमेंट का 12, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 6 है, और ऑक्सीजन का होता है 16, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आपके पास में कितना आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 166 आ गया, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बोल दो या फिर मास बोल दो, ओके। अब देखो लिखो यहाँ पे एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास आया 166, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑलरेडी गिवन है 83, एन की वैल्यू कितनी आएगी 2, एन की वैल्यू आ गई 2। अब देखो इस फॉर्मूला के अंदर आप रखो वैल्यूज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है पता है हमें, ठीक है, इज इक्वल टू एन कितना है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था C8H6O4, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, क्या कर देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए 2 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो कैसे आएगा देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C8H6O4 डिवाइड बाय 2, इसको 2 को डिवाइड कर, 2 को से डिवाइड कर दो, पूरे फॉर्मूले को क्या आने वाला है, C4H3O2, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बोल रखा था वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है, क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला C4H3O2, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से आपके पास में दो फॉर्मूला है, आप कैसे भी क्वेश्चंस गिवन हो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, जो भी पूछा गया है, जरूरी नहीं है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछा जाए, हो सकता है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो, तो वो टोटली बात डिपेंड करती है क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, आपको आना चाहिए इसका बेसिक, बेसिक क्लियर है, आप आगे के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को अप्रोच। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। ए कंपाउंड इज फाउंड टू पजेस सी कार्बन इज इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड।
अब हमें इतनी सारी चीजें दी हुई है, हमें पूछा क्या है, पहले तो ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिए हुआ है 60। ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास तो दो ही फॉर्मूले हैं, एन की वैल्यू निकालो और वो दूसरे फॉर्मूले में रख दो। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। हमारे पास में एक चीज तो है मॉलिक्यूलर मास है, बट इम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है और ना ही इम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है कि हम निकाल लें, तो अब क्या करोगे। बट क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी तो है, देखो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन में। कार्बन का 40% बता रहा है, हाइड्रोजन का 6.7% बता रहा है और ऑक्सीजन का 53.3% गिवन है। इसका मतलब आप इन क्वांटिटीज से, ठीक है, इन वैल्यूज से क्या कर सकते हो, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। याद हो तो सीखा था ना प्रीवियस लेक्चर में हमने कैसे निकालते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला, उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। निकालो कैसे निकालोगे, क्या टेबल बनाते थे हम इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, टेबल बनती थी हमारी कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट लिखेंगे हम, कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट, एलिमेंट के साथ साथ में हमारे क्या था, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के साथ में एटॉमिक रेशियो, ठीक है, फिर सिंपल रेशियो, यही था, ठीक है। और परसेंटेज कंपोजिशन कितना गिवन है वो मैं लास्ट में लिख लेती हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन। ओके देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगा दो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो गया 16, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन हमें कितना गिवन है, देखो कार्बन का गिवन है 40, हाइड्रोजन का गिवन है 6.7 और ऑक्सीजन का गिवन है 53.3। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को हमें डिवाइड करना है उसके एलिमेंट के मास से, ठीक है करो। हमारे पास में परसेंटेज कंपोजिशन है, हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 40 डिवाइड बाय 12, 6.7 डिवाइड बाय 1, 53.3 डिवाइड बाय 16। अब ये मैं कैसे कर रही हूँ, ये ऑलरेडी जब इम्पेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन स्टेप सिखाई थी, क्वेश्चन किए थे, तब ही बताए थे कैसे करनी है। यदि प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको आता है, नहीं आता है तो पहले ये सीखे कि इम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके क्लियर है, तो ये चीज़ें निकाली हमने, एटॉमिक रेशियो हम निकाल रहे हैं, निकालो इसको डिवाइड करो, अप्रोक्स 3.3 आने वाला है, ये 6.7 आएगा और ये कितना आ जाएगा 3.3। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का क्या था हमारा, कि जो भी एटॉमिक रेशियो आया है उसमें सबसे स्मॉल डिजिट जो है उसको कर दो पूरे एटॉमिक रेशियो से डिवाइड। सबसे स्मॉल क्या है, 3.3, चलो 3.3 को 3.3 से डिवाइड करो, 6.7 को 3.3 से डिवाइड करो, 3.3 को किससे डिवाइड करो, 3.3 से। तो अप्रोक्स वैल्यू अपन निकाले तो इसकी 1 आ गई, इसकी अप्रोक्सीमेटली 2 आएगी और इसकी अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी, 1 आएगी। ये अपने पास में आ गया सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया इसका मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या आया इम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास में, CH2O। अब इसका मास निकाल लो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 2 और ये हो गया 16। कितना आया देखो, 16, 12, 2, 0, 1, 30। कितना आ गया, 30 आ गया इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो एन की वैल्यू निकालते हैं, मोलिकुलर मास अपने पास में है 60, इम्पेरिकल फॉर्मूला है 30, वैल्यू आई 2, एन की वैल्यू 2 है, हमें क्या चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल एन की वैल्यू 2 है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो फटाफट, C2H4O2। ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस कंपाउंड का, जो हमें बोला था क्वेश्चन में उसका, ठीक है। अब आप इसका क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल के चेक कर सकते हो कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है या नहीं। करें देखो, 12 कार्बन का मास होता है 2 है तो 24,
हाइड्रोजन का 4 और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32, ये कितना आया 0 और ये 1 कैरी, ये 16, बिल्कुल राइट है। हमारा जो फॉर्मूला निकाला है हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें मास गिवन है उस फॉर्मूले का वो एग्जैक्टली इक्वल है जो फॉर्मूला हमने निकाला उसके। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कैसे सॉल्व किया? ठीक है, इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, बस जो चीज़ें हमने सीखी है उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है, उन सब क्वांटिटीज़ को वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन अपना, वो क्या है देखो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ऐसा ही है, पढ़ो। 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 0.062 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन द वेपर स्टेट। दिस कंपाउंड वेज 32 टाइम्स एज हैवी एज द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। अब ये जो चीज़ें हमें गिवन है ना, इनसे हमें क्या निकालना है, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कंपाउंड का अपन को मास ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, यदि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आता है स्टेप बाय स्टेप तो आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन से। मैंने कहा था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको परसेंटेज गिवन है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। किसी भी टू का गिवन है तो तीसरा कैसे निकालूंगी, उन दो को ऐड करके 100 में से माइनस करके। यहाँ पे एग्जैक्टली यही हो रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है 0.5 ग्राम, ओके, और उसका 0.062 ग्राम उसमें हाइड्रोजन और 0.25 ग्राम कितना है ऑक्सीजन। हमें निकालना है कार्बन कितना ग्राम है, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन का कितना है 0.062, ऑक्सीजन का कितना है 0.25, ऐड करो 2, 6 और 5, 11, 1 कैरी 3, 0.312, इसको माइनस करो किसमें से 0.5 में से, टोटल में से ही करते हैं ना, 0.5 माइनस 0.312, आप इसको माइनस करो, माइनस करने पे क्या आंसर आएगा 0.188, ये आ गया आपके पास में ग्राम। अब आपको कार्बन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, सिंपलेस्ट रेशियो में आपको क्या निकालना है देखो, मैं बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे, कार्बन का कितना था 0.188 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन का कितना है देखो 0.062 डिवाइडेड बाय 1, और इसका कितना है 0.25 डिवाइडेड बाय 16। अब आपको इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकालो, फिर इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, इससे आपको क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे ही आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलने के बाद में आपको क्या करना है, मास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला का, और अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आपके पास में क्या वैल्यू आती है देखो, इस लाइन को थोड़ा दूर करते ताकि हम वैल्यू अच्छे से लिख पाए, पहले वैल्यू लिखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो आगे इसका एटॉमिक रेशियो सॉल्व करने पर, अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही, देखो क्या आएगा सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0.016, तो 0.016 को डिवाइड करो 0.016 से। हाइड्रोजन में क्या है 0.062 को डिवाइड करना है 0.016 से, इसी तरीके से 0.016 को डिवाइड करो किससे 0.016 से, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसका आप अप्रोक्स सॉल्व करोगे तो आएगा 4 के अप्रोक्स और इसका 1 आ गया, तो आपके पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया CH4O1, यह आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। मास निकालो इसका कितना आता है 12 + 4 + 16, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 12, 4 and 16, 6 और 4 10 2 12, और ये 1 कैरी 32, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपके पास में आ गया 32। अब हमें एन चाहिए, एन चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर से मैं रब कर रही हूँ देखो, क्या एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल मास, मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास में आया कितना, 32, बट हमें मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 0.062 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन द वेपर स्टेट। दिस कंपाउंड वेज 32 टाइम्स एज हेवी एज द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। वेपर स्टेट में बोल रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिए हुई है, वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में कुछ रिलेशन हमने पढ़ा था, याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद आ गया। वेपर डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 32, मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आने वाला है, 64 आपके पास में आ गया इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो डिवाइड कर दो, 64 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 2, एंड की वैल्यू आ गई 2। इम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई CH4 ऑक्सीजन C2H8O2, यही है आपका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस क्वेश्चन का। ओके, अब आप इसको देख कैसे सकते हो कि आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला वो सही है, यानी इसका मास निकालो 64 के इक्वल आना चाहिए। देखो अपन ने मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना, 64 के इक्वल है, इसका मतलब आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके हम कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा हो, या फिर हमें एन की वैल्यू पूछी हो, कुछ भी हो, हम उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कैसे निकालेंगे, समझ आ गया। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे हमने देखे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इस पोर्शन में यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक्स के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।